गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी शर्मा, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे आई विल रीड चैप्टर नंबर 6 नेताजी सुभाष ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23rd January. देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1997 में. ठीक है, इन कुटैक, कहाँ हुआ था? कुटैक में. ठीक है, श्री जानकी दास बोस वॉज हिज फादर एंड श्रीमती प्रभावती वॉज हिज मदर. देखिए, उनके पिता कौन थे? जानकी दास बोस, और उनके माता का नाम क्या था? प्रभावती. ठीक है, ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड सिक्योर सेकंड पोजीशन इन द होल प्रोविंस. ठीक है, उन्होंने देखी अपनी जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन थे, ठीक है, मैट्रिक्स के जो अपने एग्जाम उन्होंने पास किया था सेकंड पोजीशन पे. ठीक है, उनकी सेकंड पोजीशन आई थी. ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस मीन्स डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, आफ्टर दैट, इसके बाद ही पास द बीए एग्जामिनेशन. उन्होंने देखिए फिर क्या पास किया था, बीए के जो एग्जामिनेशन पास किए थे, बीए के एग्जाम, एंड सिक्योर्ड ऑफ फर्स्ट डिवीजन. तब उन्हें क्या मिली थी? फर्स्ट डिवीजन. देखिए, जब मैट्रिकुलेशन किया था उन्होंने, ठीक है, तो यानी कि 12th, तो उन्होंने सेकंड पोजीशन मिली थी उन्हें डिस्ट्रिक्ट में, और जब उन्होंने बीए किया था तब उन्हें मिली थी फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, फर्स्ट डिवीजन मिली थी उन्हें. उनकी उस टाइम तो सेकंड पोजीशन थी डिस्ट्रिक्ट में और फर्स्ट डिवीजन थी उनकी बीए में. ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपियर फॉर द ICS. फिर वे देखिए इंग्लैंड गए थे क्या करने के लिए? ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन के लिए गए थे. ठीक है, ही पास्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ ओनली 8 months. और उन्होंने ये पास कर लिया था एक छोटे से समय में, 8 महीने के. बट ही रिफ्यूज्ड टू जॉइन दिस ऑनरेबल सर्विस. लेकिन वो देखिए, उन्होंने रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर दिया था इस सम्माननीय सेवा को ज्वाइन करने के लिए. बिकॉज, इसलिए क्योंकि ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि वाइल डूइंग द सर्विस, जब मैं ये सेवा करने के दौरान जो है, इट वुड नॉट बी ईजी, यह देखिए उनके लिए आसान नहीं होगा, है ना, टू सर्व हिज मदरलैंड, अपनी मदरलैंड यानी कि मातृभाषा की सेवा करना. ठीक है, क्योंकि जब वो क्या करेंगे वहाँ, जब ये करेंगे ज्वाइन, तो ये आसान तो नहीं होगा उनके लिए कि वो अपनी मातृभाषा की फिर सेवा कर सकें. तो ही रिटर्न्ड टू इंडिया, इसलिए वो वापस आ गए भारत में, एंड स्टार्टेड सोशल सर्विस, और उन्होंने शुरुआत कर दी समाज सेवा की, वर्क इन कैलकटा. कहाँ पर काम किया उन्होंने? कलकत्ता में काम करना शुरू कर दिया. नाउ कोलकाता, ही वॉज इलेक्टेड द, अब देखिए कैलकटा को कोलकाता कहते हैं, ही वॉज इलेक्टेड द मेयर ऑफ कैलकटा. अब देखिए, वह निर्वाचित हो गए थे मेयर की पोजीशन पे कलकत्ता में, ठीक है, इन 1918 में. ही वर्कड फॉर 5 months एज अ मेयर, उन्होंने वहाँ पर काम किया 5 महीने तक मेयर के रूप में. देन ही, तब देखिए रिजाइंड, तब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. तब उन्होंने फिर शुरुआत कर दिया किस में एक्टिव रहना, उन्होंने स्वतंत्रता को लेकर के उसमें हिस्सा ले लिया, स्वतंत्रता दिलवाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए. ठीक है, सून जल्दी सुभाष चंद्र बोस बिकेम अ फेमस लीडर. जल्दी देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं क्या बन गए, एक प्रसिद्ध नेता बन गए थे. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938. और वह देखिए निर्वाचित हो गए थे प्रेसिडेंट, कहाँ के बने थे वो? भारत के, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के, 1938 में. और फिर उन्होंने अगेन इन 1938 और फिर 1939 में. ठीक है, व्हेन ही वॉज अंडर अरेस्टेड इन 1941, जब वे देखिए गिरफ्तार किए गए थे 1941 में, ही स्लिप्ड ऑफ टू फॉरेन कंट्रीज, तो वो देखिए फिसल गए थे कहाँ पर,
अंग्रेजों की देशों में ही रीच्ड जर्मनी वे पहुंचे थे जर्मनी एंड मीट हिटलर फॉर हेल्प इन द इंडियन फ्रीडम और वे मिले थे हिटलर से किसके लिए जो भारतीय स्वतंत्रता की मदद के लिए फाइट अगेंस्ट जो उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी द ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट